الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإلا فعليكم بالصوم فإنه له وجاء وقال صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زور سے ایک بار در شریف پڑھ لیا جائے بزرگان محترم عزیز نوجوانوں اس وقت آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر سی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا چند منٹوں میں میں اپنی بات ختم کر دوں گا نکاح
आधा ईमान। जरा जोर से बोलो, निकाह आधा ईमान। दूसरा आधा जो बाकी रह गया वो आदमी को, आने वाली दुल्हन को आमाल और अल्लाह के अहकाम पर जिंदगी गुजार कर आधा पूरा करना। जब पूरा हो जाएगा तो सीधे जन्नत में दाखिल हो गए। कुरान पाक में जो आयात नाजिल हुई है खुतबे की, निकाह के खुतबे की, उस सिलसिले में मुझे खास एक बात अर्ज करनी है। अब सबको मालूम है निकाह नबियों की सुन्नत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किस तरह निकाह होना चाहिए सादगी के साथ, वलीमा हो, उसमें अल्लाह के हुक्मों का एहतराम हो, ये पिंडाल में मर्द और औरतों के बीच में पर्दा हो, खाना नीचे गिरने न पाए। घर पर तो इंसान दुआएं पढ़ता है, अक्सर शादियों के मौके पर अल्लाह के हुक्मों को भूल जाता है। वलीमे में और इसमें बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कहना भी भूल जाता है, खाने के बाद की दुआ भूल जाता है, जिसका वलीमा खाया उसको दुआ देना भूल जाता है, क्योंकि शादियों में सब गुम हो जाता है, खुशियों में गुम हो जाता है। ओवर लिमिट आदमी खुशियों में रहता है तो जन्नत कमाने के अमाल भी वो भूल जाता है। खासकर जो फितना है शादियों में, पिंडालों में गैर मुस्लिमों की तरफ खाना खिलाते हैं मुसलमान, गैर मुस्लिमों की तरफ मर्द और औरतों के बीच में कोई बीच में पर्दा नहीं होता। ये मोबाइल का जमाना है, फितनों का जमाना है, लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, लड़के लड़कियां गलत इस्तेमाल करते हैं, खासकर जिनके घरों में दीनी माहौल नहीं, लड़कियों को आजाद घूमने का, लड़कों को आजाद घूमने का माहौल है। जब चाहे गाड़ी की चाबी भी माँ बाप को पूछे बगैर जहाँ चाहे घूमो, जहाँ चाहे फिरो। इस माहौल में झट से पिंडाल में नंबर भी मिल जाता है, और जब नंबर मिल जाएगा लड़की का या किसी औरत का, तो ये गंदा माहौल है। जब दो मर्द, एक मर्द और एक औरत, दोनों गैर महरम जब आपस में तन्हाई में मोबाइल पर साथ होंगे, ये हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, आधी हदीस आपको पूरी करनी है, तो सब मिलकर जोर से बोलो, इन दोनों में तीसरा कौन होता है? शैतान। और उसका काम क्या होता है वो सब आपको खबर है। ज्यादा शादी के बारे में जो गलत चीज है इसको छोड़ो, और जो करने की चीज है उसको अपनाओ, यही तरीका है शादियों। मुझे अल्लाह करे, पहले इंशाल्लाह कहो कि मर्द और औरतों के बीच में पर्दा करके खिलाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। नहीं तो फिर हमारे और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? कभी आप यूट्यूब पर देखो मेरे प्रोग्राम, शायद आपको मिल जाएंगे, और भी उलमा के होंगे। बम्बई जाता हूँ शादियों में, बम्बई निकाह पड़ा, 25,000 आदमियों का खाना होता है, 25,000। और दीनदार धर्म, अगर पैसा है करोड़ों रुपए तो करते हैं, मगर कभी औरतों के पिंडाल में कोई भी मर्द दाखिल नहीं हो सकता, और मर्दों के पिंडाल में उनके आने जाने के रास्ते भी अलग। लेडीज के डिपार्टमेंट में लेडीज ही खाना तकसीम करती है, और मर्द के पिंडाल में मर्दी का। अभी मेरे एक दोस्त के यहाँ शादी हुई थी, तकरीबन 1800 आदमी का खाना, 1800 बिल्कुल अलग थल, वो भी करोड़पति। मगर जो लोग नहीं समझते, मैं उनको नसीहत कर रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह का अजाब उतरेगा। अभी हजरत मौलाना ने, अतीक अहमद साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, ये अल्लाह का कलाम है, इसका मजाक मत करो। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा, अल्लाह फरमा रहे हैं नेक कामों में और तकवे वाले कामों में मदद करो, जो गुनाहों से बचाने वाला है। वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, गुनाह वाले और इंसान को शैतानियत की तरफ ले जाए उस ऐसे कामों में जोर से बोलो मदद। क्यों भाई सोए हुए हो कब्रिस्तान में, तो जोर से बोलो ने मदद न करो। ये हुक्म है अल्लाह का, सिर्फ नमाज और तस्बीह पढ़ना अल्लाह का हुक्म है। नमाज पर इबादत है,
अगर सिर्फ नमाज से आप जो है सीधे जन्नत में नहीं चले जाएंगे, आपने किसी का पैसा ले लिया है और खा गए, जमीन पर कब्जा किया, मकानों पर, फ्लैटों पर, दुकानों पर, तो आप पकड़े जाओगे, आप जन्नत में जा ही नहीं सकते, चाहे तहज्जुद गुजार क्यों ना हो जब तक किसी का हक अदा नहीं करते। ये बंदों के हुकूक। मुझे आपको आज जो निकाह के बारे में कहना था वो मैंने 5 मिनट में कह दिया। अब जरा जोर से इंशाल्लाह कहो कि सुन्नत के मुताबिक सब करेंगे, अल्लाह तौफीक अता करे। मुझे यहाँ एक खास मसला जिक्र करना है। आप ताज्जुब करेंगे कि निकाह की मजलिस में इसका जिक्र, तो मेरे ऊपर ताज्जुब न करें। अल्लाह ताला ने खुद कलाम पाक में इस चीज को निकाह के खुतबे में नाजिल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़ तुक़ाती। ए मुसलमानों, अल्लाह से जैसा डरने का हक है वैसा डरो, जैसा हक। और आगे क्या फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये निकाह के खुतबे में आयत नाजिल हुई जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगा। आसमानों जमीनों का मालिक, बरसात का पानी देने वाला, हवा देने वाला, इससे हम सांस लेते और जिंदगी गुजारते, हर चीज का मालिक, जिसने हमारे लिए दुनिया सजाई और बसाई, वो हमको जिंदगी गुजारने का तरीका बतला। कोई प्राइम मिनिस्टर जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बतलाए, जिंदगी गुजारने का तरीका वही बतलाएगा। जरा जोर से बोलो, बेशक जिसने इंसान को पैदा किया और वो अल्लाह। यहां एक खास बात कही कि अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और फरमाया निकाह के खुद में कितनी खुशी का मौका है। मगर क्या कह रहे हैं, अपनी मौत की फिक्र करना, मौत आई इस हालत में कि तुम इस्लाम पर बनो। जरा जोर से बोलोगे तो ही मैं आगे चलूंगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तुम्हारी मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत ना। यानी ये बतमाना चाह रहे मुसलमानों, ये कोई गैर मुस्लिम तो सोच सकता है कि दुनिया की शादियों की खुशियां सबसे बढ़कर है, मगर मुसलमान शादी के खुशी के दिन भी इस ख्यालों में घूमता है कि मोमिन की सबसे बड़ी खुशी यह है कि जब वो दुनिया छोड़कर जाए तो उसकी इस नापाक जुबान पर अल्लाह का पाक कलमा जारी हो, यह सबसे बड़ी खुशी। इसलिए ईमान पर मौत की 3 निशानियां बतलाई कि जुबान पर कलमा जारी हो जाए, या फरमाया मौत रूह निकलने के बाद मरहूम की पेशानी देख लो, अगर एक कतरा भी पसीने का निकला, एक कतरा या पूरी पेशानी भरी हुए, समझो ईमान पर बना पेशानी पर कैसे। और तीसरी चीज फरमाया कि उसका चेहरा देखो, ये चेहरा चेहरे पर देख लो, मुस्कुराहट है, फ़ज़वरब बिल काबा, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। ईमान पर मौत के अलावा मुझे यही अर्ज करना है आपको आज शादी की निकाह की खुशी के मौके पर कि क्यों अल्लाह ताला ने इस्लाम पर मौत का जिक्र निकाह के खुतबे में किया। पूरा मजमा जवाब दो, मुसलमान का ईमान है कि मौत और कयामत के बगैर, जोर से बोलो, बेशक मुसलमान जन्नत में जा नहीं सकता, ये हमारा ईमान है। मगर उसी मौत के बारे में हम इतना डरते हैं कि लगता है कि शायद दुनिया ही में रहने वाले। ये जो अकीदा है ये ईमान की कमजोरी का है। कयामत की निशानियों में हदीसें आ रही है कि उन मुसलमानों की मजलिसों में मौत और कयामत की निशानियों का जिक्र ही नहीं होगी। कयामत की निशानियों में ये हदीस आई है कि उनकी मजलिसों में इसके तस्किरे नहीं होंगे। आप देख लो हमारी मजलिसों में कितने तस्किरे होते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि मौत को याद करने से या मौत का जिक्र करने से कभी जल्दी मौत आती है, कभी नहीं। हम लोग तो मदरसों में मौत और कयामत के बारे में नहाते हैं। जरा जोर से बोलो भाई, क्या करते हैं? और अभी तक मौत नहीं, जब लिखी होगी तब आएगा। मगर चूंकि हम लोगों, हमारी नस्लें ऊपर से आई है, गैर मुस्लिमों में से सब मुसलमान हुए, हमारे बाप दादा 9वीं 10वीं पीढ़ी में जाओ सब हिंदू,
और साथ साथ गैरों के साथ रहकर उनके असरात हमारे अंदर दाखिल होते। इसलिए मौत का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, नाम भी नहीं लेते। उसकी मिसाल तो मैं, हमारे घर में जब मय्यित होती है तो जिस रजाई पर या जिस गोदरे पर मय्यित को सुलाते हैं, हम उस गोदरे और रजाई को घर में लाना भी पसंद नहीं करते। मौजिन साहब को कहते हैं कि इसको मस्जिद में वकफ कर लेना। वकफ करने की नीयत तो बहुत बात की है, असल में वो डरते हैं कि ये रजाई पर हम बैठेंगे या सोएंगे तो हम मर जाएंगे। ये ईमान की कमजोरी है। जरा जोर से बोलो भाई, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये ईमान की कमजोरी है, ये गैरों का अकीदा जो हमारे अंदर घुस गया। आपको मस्जिद में देना हो तो नई रजाई दे दो। इसका मतलब ये हुआ ना, जो भी देता है वो ये नियत करता है कि हम मरने नहीं चाहिए। इस पर बयान करने आएंगे उलमा किराम, उनको मस्जिद में पनाह देंगे तो ये यही गोदरे पर सोएंगे, चाहे मर जाए मर जाए। तबलीग जमात वाले मर जाए, खानकाह वाले मर जाए, ऐसे मरते होते ना तो सबसे पहले हम मर जाते। आपके बड़ौदा में जब मैं उस वक्त से आता हूं जब मेरी शादी नहीं हुई और ना आप गाड़ी लेकर बुलाते थे ना हमारे पास गाड़ी थी, हम ट्रेन से आते थे। कितनी बार ट्रक में आया हूं मैं, अब इस्माइल गवाह है, सही है पूछो आप। उस वक्त आप लोग मस्जिदों में ही सुलाते थे उन्हीं गोदरों पर, अगर वो गोदरे पे सो के मर गए होता तो सबसे पहले हम मर गए होते। ये मैं आपका ईमान जमा रहा हूं, ये गैरों के अंदर से आया है हमारे। पूरा मजमा जोर से बोलो, जिंदगी और मौत किसके हाथ में? गोदरे पर सोने से कोई मर जाता तो अच्छा ही ना, हम लोग कब से मर गए होते। ये सब गलत बात है। ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि निकाह के खुतबे की आयत में, ये निकाह का खुतबा पढ़ा मैंने आपके साथ, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों खुशियां मनाना मगर इतना आपे से बाहर मत निकल जाना कि तुम अल्लाह को भूल जाओ। शादियों के दिनों में दुल्हन वालों से भी कहा, दुल्हा वालों से भी कहा, मैं सबको ही कहता हूं जनरली चीज। हम लोग क्या करते हैं, दुल्हा 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 के मां बाप सब जगह टोटली ये निजाम चल रहा है। अपने दोस्तों को राजी करते हैं, दुल्हा के मां बाप अपने अपने चाहने वालों को राजी कर, जहां काम करते हैं उनको भी करना भी चाहिए, कोई गुना नहीं। दुल्हन के वाले भी उनकी जितने रिश्तेदार या चाहने वाले सबको राजी करते हैं, मगर ये आज के आखिरी जमाने की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग नाराज करते हैं उस दिन तो अल्लाह और अल्लाह के नबी को नाराज, जो चाहे हम कर ले। डीजे बजाते हैं और उसमें नाचते हैं, नाचने वाले उसमें दीनदार लोग भी हैं, 2% दीनदार लोग भी हैं, कयामत की निशानियों में है। हदीस सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे कयामत में शरीफ लोग बदमाश बन जाए, शरीफ लोग बदमाश बन जाए। मुझे लोग पूछते हैं कि तो फिर बदमाश कैसे बनेंगे, मैंने कहा महा आगे लगा दो वो महा बदमाश बन जाए। अभी देखो आप डीजे के साथ नाच रहे हैं सब, और वो ये भी नहीं सोचते कि वो डीजे में क्या चल रहा है, अंबा मां के गीत चल रहे, शिर्क चल रहा है, उस पर वो नाच रहा। उनको ये भी खबर नहीं कि नादानों तुम ईमान से निकल गए, ईमान से निकल गए। तो ये चीजें हो रही है। मैं आपको ईमान पिलाने के लिए आऊं चंद मिनट में, मैं अभी अपनी बात 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि वो आसमानों जमीनों का मालिक है। निकाह के खुतबे में मौत का जिक्र किया और ईमान पर मौत का, फरमाया तुम अपनी ये शादियों का मौका मैं देता हूं। दुल्हा जितने भी हैं दुनिया में बन रहे हैं उनको जिंदगी मैं देता हूं। कितने शादियों से पहले इंतकाल कर जाते हैं, मंगनियां हुई उससे पहले दुनिया से चले जाते हैं, दुल्हनें चली जाती हैं। मैंने तुमको मौका दिया है तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं कि तुम अल्लाह की नाशुक्री करके खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ जो बगावत करो। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारी सब खुशियां शादियों की ये सबसे बड़ी खुशी नहीं, ये तो खत्म होने वाली, कल तुम बूढ़े हो जाओ, मगर तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी यह है निकाह के खुतबे में आयत नाज़िल फरमाई। पूरा मजमा जोर से बोलो, बेशक कि अल्लाह तुम्हें ईमान पर मौत, ये सबसे बड़ी खुशी।
और यहां आकर एक बात बतलानी चाहिए कि मौत और कयामत बरहक है, इसको भूलना नहीं, और जो भूले तो कयामत के दिन में कान पट्टी पकड़ कर तुम्हें मिट्टी से दोबारा जिंदा करने वाला। सूरह यासीन शरीफ पढ़ते हैं मगर ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ खबर नहीं क्या लिखा। इतनी इतनी गुजराती तफसीरें छपी हिंदी में दुनिया भर की जबान, ये चलो इसको लिखकर पढ़े क्या भाई, तफसीर में नीचे माना मतलब भी लिखा है, नहीं समझ में आएगा तो लाल लाइन मारेंगे, उलमा से पूछ लेंगे इसका मतलब, मगर कोई भी पढ़ता है कि अल्लाह की किताब में क्या लिखा है। सूरह यासीन शरीफ में है कि जब मैंने तुमको तुम्हारी माओ के पेट में पैदा किया तो 4 महीने में तुम्हारी बॉडी तैयार की, सिर्फ 4 महीने, धीमे 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 धीमे, ये अल्लाह का निजाम। कयामत के दिन तो कुरान में एक सेकंड में इंसान ऐसे खड़ा हो जाएगा, एक सेकंड, 4 महीने में बॉडी तैयार की, और जब 5वां महीना शुरू हुआ जो पैदा करने वाला है वो कह रहा है सुन लो नहीं तो रोगे मरने के बाद, हमने पहली बार तुम्हारे मरे हुए बदन में पहली बार खाने चाहे। मैं पूरे मजमे से जवाब देना पूछना चाहता हूं, जवाब दो, माँ बाप जान डालते हैं, डॉक्टर डालते हैं, कोई साइंटिस्ट डालता है कि अल्लाह डालता है? अल्लाह डालता, ये अल्लाह का काम, पैदा करना उसका, असबाब के दर्जे में जो काम था बॉडी का वो माँ बाप से, मगर अंदर जो असली काम है रूह डालना वो अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जब मैं तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा बदन का नामो निशान नहीं था, तुम्हारी रूह और आत्मा नहीं थी, जब बिल्कुल नाबूद था तो मैंने उसको जो है पैदा कर दिया और माँ के पेट में जान भी डाल दी, और तुम 9 महीने के बाद इस दुनिया में आ गए, तुमने वजूद ले लिया। अल्लाह ताला फरमा रहे जब पहली बार तुम्हारा नामो निशान नहीं था तो हमने आसानी से तुमको पैदा कर दिया, जबकि तुम्हारा नामो निशान ही नहीं था, अब तो कब्र में तुम्हारी बॉडी पूरी तैयार है, पूरी बॉडी मिट्टी बनकर तैयार, और रूह हमने मौत के वक्त खींचकर आसमानों पर ले गए थे चेक करने कि इसने कितना पावर भरा है, बैटरी पावरफुल की कि नहीं, आमाल करके आकाम कर, तो फरमाया रूह भी तैयार, दुनिया में पहली बार पैदा किया तो रूह भी नहीं थी बदन भी नहीं था, अब तो रूह भी तैयार बदन भी तैयार। कुरान में है 56 जगहों पर आयत नाजिल हुई है कि अब नए सिरे से पैदा नहीं करना है, बदन मिट्टी से बना है, मिट्टी में है, और रूह आसमानों पर है, इन दोनों को जॉइंट करना है। भाई अब जरा जोर से जल्दी से बोलो, पैदा करना मुश्किल नहीं था? जवाब देंगे जोर से तो क्या जोड़ना मुश्किल होगा? कुछ भी नहीं, फरमा एक सेकंड में सारे मुर्दे पूरी दुनिया, अरे तुम जला दो कुरान में तुम्हारे कान का, नाक का, पांव का, बदन के किसी हिस्से का, पानी का सैलाब बहा कर ले जाए या तुम उसकी लाश को जलाकर आसमान से उड़ा के फेंक, अल्लाह फरमा रहे आसमान और जमीन का जर्रा जर्रा मेरे कब्जे में है, तुम्हारे बदन का कौन सा हिस्सा मिट्टी का जर्रा बनकर कहां पड़ा हुआ, सारे जर्रों को कहूंगा चलो जमा हो जाओ और दोबारा उसमें जान डाल दूंगा, एक सेकंड में सब मैदान हशर में मेरे सामने खड़े। कुरान ये कह रहा है अपनी मौत और कयामत को न भूलो, ये सबसे बड़ी खुशी है कि अल्लाह तुम्हें ईमान पर मौत दे दे, ईमान पर मौत मिली ये जमानत इस बात की, बोलो इंशाल्लाह कि जन्नत में दाखिले के लिए हकदार बन गए, ये हकदार। अब एक दलील सुना, वो दलील ये है कि हमारे नौजवान ऐसा समझते हैं दीन नहीं पढ़ते ना, इसलिए सारी दुनिया के ऑब्जेक्शन खड़े होते हैं, दीन पढ़े कुरान समझे तो आदमी अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम। साइंस वाले भी बहकाते हैं, उनकी दुनिया अलग है, वो कोई खुदा तो है, उनको अल्लाह ताला जितना बतलाते हैं वो बतलाते हैं, मगर जहां अपनी तरफ से गाते हैं वो गोटे खाते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि आज तक कोई मरा हुआ कब्रस्तान से आया ही नहीं, तो हम कैसे मानेंगे कि कयामत के दिन पैदा हो जाएंगे, आज तक कोई कब्रस्तान से आया ही नहीं, स्मशानगाह से कोई नहीं आया। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दुनिया के कामकाज में तुम्हारे यहां वक्त मुकर्रर है, तुम हर काम अपने टाइम पर करते हो, तो ये काम फुला ट्रेन पकड़नी, फुला बस पकड़नी, फुला फ्लाइट पकड़ना है, मेरे घर की शादी फुला तारीख, तुम हर चीज को टाइम पर करते हो, पूरा मजमा जवाब दो बेशक के जरिए, अल्लाह का भी कोई प्रोग्राम है कि नहीं है?
फरमाया वो टाइम तो आने दो, मैंने कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने का ऐलान किया। और बड़ी शानदार दलील कुरान की जो मैं आपको अपनी मिसाल से समझाऊं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जरा सोचो कुरान कैसी अकल देता है इंसान, खुदाई अकल से ऐसी दलीलें देता है कोई दुनिया के बादशाह और साइंटिस्ट के भी दिमाग में ना। अल्लाह फरमा रहे तुम दोबारा पैदा करने की बात कर रहे हो, तो वो कयामत का दिन आने दो, तुम देख लो कि मैं कैसे जिंदा कर और कैसे समझाया उसको जरा समझ लो, बस उसके बाद हम दुआ कर। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम कहो तो बड़ौदा नहीं, पूरी दुनिया के मुर्दे जो मिट्टी बनकर बैठ गए हैं, तुम कहो तो ये 5:30 बजे, तुम जिस मिनट पर कहो आगे के मिनट पर, उस मिनट पर उस सेकंड पर मैं पैदा करने की ताकत रखता हूँ। जवाब तो सब मिलकर है कि नहीं उसके पास, तुम जिस सेकंड पर कहो। मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमा मैं इनको भी पैदा करके करूं क्या, पहले तुम मेरा ये जवाब दो, ये जितने मुर्दे हैं मुसलमान की बात करो अभी पहले, ये जितने मुर्दे हैं कब्रिस्तान इनमें इनका पैसा मस्जिदों में लगा, मदरसों में लगा, स्कूलों में लगा, यूनिवर्सिटियों में लगा, पानी के तालाब बनाने लगा, हैंडपंप में लगा, वाटर वर्क्स में लगा, और बेशुमार उनकी नमाजें इबादतें और खुदा जाने क्या क्या सदका खैरात हलाल तरीके से क्या क्या नेकियां करके। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारी अकल पर चलू तो सब बेवकूफी के काम हुए, तू इंसान है मेरी मखलूक, तू मुझसे सवाल करता है, मैं तेरा रब्बुल आलमीन, तुम कहो जब उस सेकंड पर मैं पैदा करने की ताकत रखता हूँ, मगर इनको भी पैदा करके करूँ क्या। वो जो मस्जिदें बना कर गए आज भी उनमें नमाजें चालू है, आज भी उनमें तिलावत चालू है, तालीम चालू है, उलमा के बयान चालू है, खानकाहों का निजाम चालू है, एहतिकाफ चालू है, खुदा जाने क्या क्या नहीं क्या मस्जिदों में हो रही। आज पैदा करके क्या करूं उनको, अधूरी अधूरी अधूरा सवाल, क्योंकि वो जो चीजें बनाकर गए उनमें पैसा लगा कर गए, आज भी उनमें नेकियां चालू हैं, और वो बोलो बेशक जोर से कयामत तक चालू है, उनकी नेकियां भी पूरी नहीं हुई, नेकियां तो पूरी होने दो, जब नेकियां पूरी होंगी उनकी कयामत के दिन पूरी होंगी, पूरा मजमा जोर से जवाब दो तो उनको पैदा करने की जरूरत भी पड़ेगी, पूरा मजमा बोलो कौन से दिन पड़ेगी, कयामत तो फरमा कयामत का दिन तो आने। अब तैयार, इसी तरह गुनहगार, शराब पीने वाले, बेचने वाले, जुआ खेलने वाले, जीना करने वाले, सिनेमा थिएटर खोलने वाले, ब्याज पर पैसे देने वाले, ये जन मिसाबे देना, तुम कहो तो आप अभी जिस सेकंड में कहो उनको भी पैदा करो, मगर इन गुनहगारों को पैदा करके क्या करो, इनको अधूरी सजा, इनके जो गुनाह की बुनियाद डाल कर दे वो कयामत तक चलेंगे। जल्दी से बोलो, आप तो भी घर चले जाएंगे, मुझे तो लंबा सफर करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे उनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी, जरा जोर से बोल दो कब पड़ेगी, तो कयामत का दिन तो आने। कुरान में ये निकाह के खुतबे में समझाया है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कयामत बहुत करीब है। आप सलासन में फरमाया जू शराब जुआ नाच गान धोखाबाजी नाच रिश्वत जुल्म और सीनाकारी आम हो जाए, आम का मतलब गली गली नगर नगर आम हो जाए। उसके बाद धरती कम के बरस कयामत तक शुरू हो, 200 झटके आ रहे हैं नेट पर, देखो ना नेट पर रोज, आप इंग्लिश में लिखोगे गूगल मार के द लेटेस्ट अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के ताजा तरीन भूकंप 200 झटके आ रहे हैं। कल रात दोबारा हुआ, पिछले हफ्ते भी हुआ पेरू में पनामा के पास, 6.7 का आया, कल रात 7.2 का आया, उसका वीडियो देखो ना आपको अंदाजा है कि खुदा की कुदरत कैसी है। मैं ये दोस्तों को दे दूंगा, वो शेयर करेंगे, जरा देखो कल रात जलजला आया 7.2 का, ये रोड है ना बड़े बड़े रोड, इसको पूरी तरह उखाड़ के फेंक दिया, कोई गाड़ी उस पर चल ही नहीं सकती, उखाड़ के फेंक दिया, खट्टे हो गए बड़े बड़े। कल रात आया पेरू में पनामा से, उस वक्त आपको अंदाजा होगा। तो मैं लोगों को कहता हूं कि ये कयामत के अलार्म बज रहे, तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ अभी जापान में हो 4 दिन हो, कठियावर में हो, परसों तरसों हमारे उमरगाम में हुआ, वलसाड़ के साथ पूरी धरती ऐसे हिल रही, क्यों, ये दुनिया नंगी हो गई, लोग खुदा का नाम लेने नहीं चाहते, जो लेते हैं वो आटे में नमक के बराबर, मुसलमान नहीं याद करते, जुमा जुमा 8 दिन, 1 दिन वो भी 2 रकात, इमाम साहब जो देर 2 मिनट लेट हुई तो उनकी निगाह यूं करके इशारा करते, इमाम साहब कितने यूं यूं कर 2 मिनट से ध्यान सब पैसों में, हालांकि 5, 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट लंबा नहीं करते,
इससे अंदाजा लगाने के उम्मत का मिजाज कैसा है कि भाई कल रोजों पे पकड़ होगी, ज़कात पर पकड़ होगी, हज पर। और आप सासन ने फरमाया जब जमीन पर गुनाह बढ़ जाएंगे, भर जाएगी, तो अल्लाह ताला टाइम में से बरकत उठा देगा। हदीस के अल्फाज सुन लो, एक बरस महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में मिनट, सेकंड में सेकंड। भाई जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, टाइम में बरकत है। अब देख लो पूरा रमजान, रमजान एक महीने की तरह, और ताजा दो निशानी, फिर उसके बाद निकाह पड़ा। जो कजुलेम भी कब्जे उलमा को उठा लेके अल्लाह ताला इल्म बिस्तर उठाए। 2000 उलमा कोरोना में शहीद हो गए, 2000 जिनका नाम था दुनिया में। ऐसा नहीं कि जिनका नाम सिर्फ बड़ौदा में था, दुनिया में नाम था, और अल्लाह के बहुत महबूब लोग थे, चाहे वो सीधे साधे से आपके बड़ौदा के मौलाना सलीम से। और थे कितने उलमा चले जो बुखारी का दर्स थे, कितने तो जवान थे, 30-40 साल इधर वक्त आ गया। आज पनामा से किसी ने वीडियो बताया कि देखो ये उलमा किसी जगह दावत खा रहे, इनमें से ज्यादातर नौजवान थे, उनकी जवान बीवियां बेवा हो गई, कोरोना में शहीद हो गए। उलमा उठाए अल्लाह ताला ने, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और आखिरी चीज सुन लो, फरमाया बगैर मौसम के बारिश शुरू हो। आप लोग लेट कर रहे हैं, जल्दी से जवाब दो। अभी 20 दिन पहले भी बहुत बारिश हुई, और अभी 3-4 दिन पहले भी, जवाब दो ईमानदारी से। गुजरात मित्र पढ़ा हो ना आपने, 5-6 दिन पहले की बात, गुजरात मित्र में लिखा था कि 12 साल से ये रूटीन चालू है, बगैर मौसम के दुनिया भर में बारिश होती। मैं गुज़िश्ता साल राजस्थान में था, गंगापुर सिटी में 85 डिग्री गर्मी, मैं फोन रहा था 5 बजे की बात कर रहा हूँ, और धोधमार बारिश हुई, सख्त गर्मी, ये अलार्म बजने, सब चीज उल्टी होती। और इधर साइंस वाले बार बार ऐलान कर रहे हैं, द नासा साइंटिस्ट सेज दिस इज द लास्ट चांस। नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंसानों को दुनिया में आखिरी मौत है। ये लोग कान पकड़ गए, कान गई दुनिया काम से। और ये बात कुरान में है, मगर अभी टाइम नहीं, मैंने इशारा कर दिया। मुसलमान को तो अकल, मुसलमान अकलमंद होता, वो एक बार धोखा खाता है दोबारा धोखा नहीं खाता। बस बात बिल्कुल खत्म हो गई। दो चीजों के बारे में इंशाल्लाह कहना है, एक तो ये इंशाल्लाह कहना है कि शादियों में पिंडाल में कभी भी अल्लाह के कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, बोलो इंशाल्लाह, कभी नहीं करेंगे, बोलो ना इंशाल्लाह। और दूसरा है, जोर से इंशाल्लाह बोलो कि दुनिया में अपनी हलाल कमाई के साथ, एजुकेशन के साथ, अल्लाह के दीन पर ऐसा मजबूत रहेंगे कि मरने के बाद बोलो जोर से इंशाल्लाह सीधे जन्नत में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रब्बी, फिरोज नूर मोहम्मद दिलवर, आपने गवानी मुकिल मुबशिरा साबित भाई, साबित भाई, रजब भाई, आप इजाजत ले ली। और ये गवाह कौन कौन है जल्दी जल्दी, इब्राहिम भाई, रहमू भाई, गुलजार, जाकिर हुसैन, भाई खामोशी से बैठो 2 मिनट से। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی وکیل صابر بھائی رجب بھائی شکاوالا آپ نے اپنی وکالت سے اور یہ دو گواہ ابراہیم بھائی رحمو بھائی دودوالا ذاکر حسین ابراہیم بھائی ابو جی والا ان دونوں کی گواہی سے الہن مبشرہ صابر بھائی شکاوالا کی ذات کو اسلامی شریعت کے مطابق عورت بنا کر دلہا صاحب نے مہر مقرر کی ہے 11,000 نقد کیش روپے. دلہا صاحب کا نام ہے فیروز نور محمد بھائی دودوالا. آپ نے مبشرہ صابر بھائی شکاوالا کی ذات کو اسلامی شریعت کے مطابق عورت بنا کر یہ جو مہر ابھی میں نے بتایا اس کے عوض میں فیروز نور محمد دودوالا کے نکاح میں دیا. جی دلہا صاحب وکیل صاحب صابر بھائی ان کی وکالت سے اور یہ دو گواہ جن کا بھی نام لیے تھے ان کی گواہی سے آپ نے 11,000 روپے نقد مہر مقرر کی ہے. اس کے عوض میں ہم آپ کے نکاح میں مبشرہ صابر بھائی شکاوالا کی ذات کو اسلامی شریعت کے مطابق عورت بنا کر آپ کے نکاح میں دیتے ہیں. آپ نے قبول کیا ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت مختصر سی دعا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ یہ جتنی دین کی باتیں کہی اے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں میں اتارنا آپ کا کام ہے. اللہ ان کے دلوں میں اتار کر انہیں یہ درد نصیب فرما کہ گھر گھر شہر شہر پوری دنیا تک یہ دین کو پھیلائے اور دین کے داعی بن جائے. اے اللہ ان سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہونے والے نکاح میں خوب خیر و برکت نازل فرما. اے اللہ یہ دونوں دلہا دلہن میں ایسی محبت عطا فرما جیسے آپ نے نبیوں میں ان کی پاک بیویوں کے ساتھ عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پاک بیویوں کے ساتھ جیسی محبت عطا فرمائے اللہ ایسی محبت ان دونوں کو عطا فرمائے. نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنے. دین کے داعی اور علماء صلحاء عالمات اور صالحات کی پیدائش کا ذریعہ بنے. اے اللہ دونوں کو لڑائی جھگڑوں سے فتنہ فساد سے شیطان اور نفس کے مکارے سے دونوں کی بھرپور حفاظت فرمائے. بے حساب دونوں میں محبت نازل فرمائے. اے اللہ آدھا ایمان تو نکاح کے ذریعے ان کا بھی چند سیکنڈ پہلے ہو گیا. اللہ آدھا ایمان اعمال کر کے انہیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا اور اس کے ذریعے سے سینکڑوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. اس ہونے والے نکاح میں خوب خیر و برکت نازل فرمائے. اللہ دلہا اور دلہن کے جتنے رشتے دار انتقال کر گئے چاہے وہ کورونا میں شہید ہو گئے ہوں یا کسی اور بیماری میں, اے اللہ ان تمام مرحوم کی اے اللہ تمام مرحومین کی مکمل مغفرت فرما. ہماری شادیوں کی خوشیوں سے زیادہ ان کو قبروں میں خوشی عطا فرما. اللہ انہیں شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما. خاص کر اے اللہ نام برابر یہ آدمی شاید فوزیہ نام کی بہن کورونا میں شہید ہو گئی. اے اللہ جو اس یہ رشتے کے رشتے داروں میں تھی اے اللہ اس کی بھرپور مکمل مغفرت فرما. ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی قبر کو رحمتوں سے برکتوں سے مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ دونوں دلہا دلہن کے جتنے رشتے دار دنیا سے چلے گئے سب کی مکمل مغفرت فرما. ہماری خوشیوں سے زیادہ ان کو خوشیاں عطا فرما. ہمیشہ موت اور قیامت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. مولا مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط فرما کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے. یہاں جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. مدت ختم ہوتے ہی وقت کا بادشاہ ہو کہ پہلوان ہو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. آج تک ہمیشہ یہ قانون رہا ہے آپ کا. اللہ اس کو دھیان میں رکھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو
اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی نبینا و شفیعنا حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین۔